केंद्रीय मंत्री और पूर्व टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी फिल्मी पर्दे से भले ही दूर हो गई हों, लेकिन इंडस्ट्री के सितारों के साथ आज भी उनकी अच्छी दोस्ती है। स्मृति ईरानी को अक्सर सेलेब्स के साथ देखा जाता है। वो इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के साथ समय भी बिताती हैं और उनकी मदद भी करती हैं। अब स्मृति ने अपने एक नए इंटरव्यू में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। सुशांत का जिक्र करते हुए उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बताया कि सुशांत की मौत की खबर सुनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था। स्मृति ईरानी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में सुनते ही उन्होंने एक्टर अमित साध को कॉल किया। उन्हें लगा कि कहीं अमित कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे। सुशांत को याद करते हुए स्मृति फूट फूट कर रोती दिखी। स्मृति ईरानी बताती हैं, जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी वे वीडियो कॉन्फ्रेंस में थी, वहाँ लोग थे, लेकिन उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा बंद करो ये सब। वे सोच रही थी कि उनसे उन्हें कॉल क्यों नहीं दिया गया। एक्ट्रेस बताती हैं कि वो सुशांत को जानती थी क्योंकि मुंबई में उनके शो के सेट्स के बगल वाले सेट्स में ही वो काम करते थे। जब स्मृति सूचना और प्रसारण मंत्री थी तब उन्होंने सुशांत को IFFI के स्टेज पर शेखर कपूर के साथ मास्टर क्लास के लिए इनवाइट किया था। सुशांत की मौत के बाद स्मृति ने एक ट्वीट के जरिए अपना दुख जाहिर किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, उन्हें नहीं पता एक्टर ने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन उन्हें याद किया जाएगा।